दादाजी, दूध नहीं चाहिए। कोई आ रहे हैं, हमें बहुत ही होशियारी से रहना होगा। कौन है दादाजी? अरे शिवू, एक बात बता, हमें उस गांव में जाना पड़ेगा क्या? अरे जाना ही पड़ेगा, वैसे भी हमारा काम वही है ना। बुजुर्ग लोगों का सेवा केंद्र। शिबू, सारा सामान अंदर डाल दिया ना? अरे कहाँ डालूं? हाँ? देखो वो लोग खुद ही आ गईं। ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, चलो चुपचाप। हाय डॉली। अरे अब तक वैशाली क्यों नहीं आई? वो हमेशा लेट आती है। देखो वो आ गई। हे, ये क्या कपड़े पहने हैं? क्यों, अच्छे नहीं लग रहे क्या? अरे अच्छे तो हैं, लेकिन ब्रांडेड नहीं लग रहे। हम लोग कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं, गांव में गरीबों की सेवा के लिए जा रहे हैं। चलो। ठीक है, तुम्हारा कहना भी सही है, चलो। सुनो विक्रम, हम जिस गांव में जाकर सेवा करने वाले हैं, वो गांव यहां से कितना दूर है? अरे गांव बहुत दूर है, वहां गिने चुने घर है और वहां जाने के लिए रास्ता भी ठीक नहीं है। वो भी तो हमारी तरह इंसानी है ना, उन्हें भी तो इलाज की जरूरत है। उन जैसे लोगों की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। हाँ, हमें गांव के लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए। अरे कितनी सरकारें आती है और जाती है, हम प्रदर्शन करते हैं इसलिए हमें ताने भी देते हैं, लेकिन गांव के लोग कैसे तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि उस गांव में कुछ डॉक्टर्स गरीबों की मदद करते करते वहीं सेटल हो जाते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को उन डॉक्टरों की वजह से अच्छा इलाज मिल जाता है। हमें भी वहीं सेटल करने की बात कर रहे हो क्या? सरकार को इस तरह के कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। जो भी डॉक्टर बनता है उसे कम से कम एक साल किसी गांव में जाकर सेवा करनी चाहिए। आगे से हर डॉक्टर को गांव में जाकर सेवा करनी ही चाहिए। कर दो, हम यहाँ से पैदल चलकर जाएंगे, आगे रास्ता खराब है। ओके ओके, जो जो सामान चाहिए वो निकाल लो। जो चाहिए वो बैग में है यार। अरे इस जंगल में हमें चलकर जाना होगा? नहीं, हम उड़कर जाएंगे। बहुत गर्मी है ना? हाँ यार। हाँ। अरे यहाँ तो कीचड़ है। उस तरफ से चलो। ए, समझ कर, समझ कर। देखना। आराम से। नाव मिल गई। अगर हमें गांव वालों की सेवा करनी है तो हमें इसी नाव से उस गांव तक जाना होगा। ठीक है बाबा, चलते हैं। चलो चलो, अब तो हमें इसकी भी सवारी करनी पड़ रही है, नाव ही है। चलो कौन आ रहे हैं दादाजी? अरे कोई तो आ रहे हैं, वो लोग अच्छे इंसान नहीं है, उनके जरिए हमें खतरा भी हो सकता है। उन लोगों को यहाँ नहीं दो, मैं उन लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगा। चलो उतरो, आराम से उतरो।
सॉरी मैडम, माफ कीजिए, हमें आने में देर हो गई, वो रास्ता सही नहीं था। अरे तुम लोग यहाँ आए यही बड़ी बात है, हमारे गांव में कई किलोमीटर तक कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। जो बीमार पड़ते हैं वो अक्सर मर जाते हैं। असेंबली इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन के लिए यहाँ के लोगों की जरूरत पड़ती है, नहीं तो यहाँ के लोगों की किसी को फिक्र नहीं। आइए हम चलते हैं। हाँ, मैं काफी समय से हूँ, जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। आप उस तरफ जाकर मेडिकल चेकअप कीजिए, हम लोग इस तरफ जाकर करते हैं। ठीक है मैडम, उस तरफ जाना है। हाँ हाँ, इस तरफ। बोला था ना वो लोग आ गए। कौन है दादाजी? अरे तुम बातें मत करो, जाकर कहीं छिप जाओ। नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओ हो, हाँ, बहुत बढ़िया बंगला है। लेकिन क्या है ना सर, इस तरफ लोग आने से डरेंगे। मेरा भी बिल्कुल यही मानना है सर, इसे छोड़ दीजिए। इस बंगले की वजह से हमें करोड़ों का फायदा होने वाला है, तुम लोग क्या जानते हो? तबीयत ज्यादा खराब है। ये लो, ये सुबह, ये दोपहर और ये रात को खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। खाना वक्त से खाइएगा। बताइए आपकी क्या समस्या है? अगर मैं ही सब कुछ बता दूं तो तुम किस काम के डॉक्टर हो बेटा? बात तो ये भी सही है, लेकिन आपके हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है या दिल में दर्द है, कुछ तो बताइए। उम्र के साथ साथ सेहत ठीक नहीं रहती, बहुत सी बीमारियां हो जाती है, इसलिए अपना ध्यान रखना पड़ता है। आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है दादाजी। तुम्हारे पास कुछ खुले हैं? पैसों की जरूरत तो यहाँ है नहीं, मैं चिल्लर लेके अब कहाँ घूमूंगा? मतलब हवा में महल है। एक तो मैं यहाँ इसका इलाज करने आया और ये मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। एक बार बंगले को अच्छी तरह से देख लूं, फिर मैं उनको फोन करूंगा। यहाँ कोई बुरे इरादे से आया है। ओहो, उसका ही फोन आ गया। विश्वास? विश्वास? हेलो, आप कहाँ हैं? तुम्हारे बंगले में हूँ भाई, मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाला था, अभी तुम्हारा बंगला ही देख रहा हूँ। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वहां पर 5-स्टार होटल बनाना है। यहाँ स्टार होटल बनवाने के लिए कुछ चीजें काम में नहीं आएंगी, हमें इस घर को डेमोलिश करना होगा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर? कुछ नहीं भाई, सीलिंग गिर गई, मेरा फोन कहाँ गया? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यहाँ शानदार 5-स्टार होटल बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सर क्या हुआ? सर आप ठीक हो ना? क्या हुआ सर? क्या हुआ आपको? दादाजी, आपने इन्हें मार दिया क्या? जो कोई भी इस बंगले का सर्वनाश करने आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी दादाजी? मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। दादाजी,
दादाजी क्या कर रहे हैं? अरे विश्वास, तुम मेरे बेटे हो क्या? अमेरिका में अय्याशी का जीवन बिताकर मेरे बंगले का सर्वनाश करने की फिराक में हो? होटल बनाने के सपने देख रहे हो? यह हरगिज पूरा नहीं हो सकता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा मैं उसे नहीं बख्शने वाला, और तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो भाई? लगता है मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं, और वो टेलीपैथी जानते हैं, और वो इंजीनियर बंगले में गया था ये बात उन्हें पता चल गई है। लेकिन वहाँ असल में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, मुझे अर्जेंटली इंडिया जाना होगा। अरे लेकिन तुमने तो उन्हें रुद्राश्रम में छोड़ा है ना? अरे मुझे कुछ नहीं पता, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। दादाजी तो खुद के बेटे को मारने जा रहे हैं। दादाजी, अरे वहां से कुछ आवाज आ रही है। क्यों बहन जी, आप इस झोपड़े में अकेली हैं? आपको क्या हुआ है? मेरी शादी हुए 3 साल हो गए, मुझे कोई बच्चा नहीं, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया। 3 दिन से बीमार तड़प रही हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। अगर बच्चा नहीं होता तो कोई ऐसे जानवर जैसे बर्ताव करता है क्या? ये लोग इंसान नहीं है क्या? जरा जोर से सांस लीजिए, बहुत तेज बुखार है। जरा टैबलेट बॉक्स देना। अभी देता हूँ। हाँ ये लो। हाँ। अपना मुंह खोलिए, ये लो। चलो विक्रम, वो इंसान है या जानवर, चलो देखते हैं। चलो तुम आगे चलो, मैं जरा इनसे बात करके आती हूँ। हाँ ठीक है। कौन हो आप? हम लोग डॉक्टर हैं, गांव में जो बीमारी से पीड़ित है उनकी देखभाल के लिए आए हैं। देखिए वहाँ आपकी बीवी बीमारी से तड़प रही है, आप उनका इलाज नहीं करवा सकते क्या? बांझ औरत को हमारे खानदान में रखने की परंपरा नहीं है। ये किस तरह की परंपरा है, और वो बांझ है ये किसने कहा? हमारे स्वामी जी ने वशीकरण से देखा है। देखो इन बातों पर भरोसा मत करो, तुमने एक औरत को इस तरह से जंगल में छोड़ दिया है, पुलिस को पता चला तो वो अरेस्ट कर लेंगी। हाँ तो फिर ले जाए ना, शादी को 3 साल हो चुके हैं, एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, तो फिर किस काम की है वो औरत? तुम ठीक हो या नहीं पहले इस बारे में पता करके आओ, अगर जेल नहीं जाना तो पहले हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ जाके टेस्ट करवाओ, फिर पता चलेगा कि दोष किस में है। ये लीजिए 1000 रुपए, कल ही आप अपनी बीवी को ले जाकर उनका इलाज करवाइए, ठीक है? और अगर हमें पता चला कि आपकी बीवी जंगल में है तो हम जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। ठीक है साहब, चाची माँ हम उसको पहले घर ले आते हैं। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। चलो आपने बहुत नेक काम किया है, यहाँ के लोगों को इस तरह समझाने वाला कोई चाहिए, नहीं तो यहाँ इंसानियत खत्म हो जाएगी। चलिए अब हम खाना खाते हैं। नहीं मैडम, आप खाना खाइए, हम लोग मंगा लेंगे, और जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है। दादाजी आप क्या कर रहे हैं, अपने बेटे का चित्र बना रहे हैं? आप अपने बेटे को मारोगे? नहीं दादाजी, ऐसा काम करने की इजाजत मैं नहीं दूंगी, छोड़िए। मैं अभी जाकर पुलिस में आपकी कंप्लेंट करती हूँ। नहीं मत जाओ।
कितने लोगों की नैया पार लगाई, सॉरी कितने लोगों का इलाज किया? मुझसे जितना हो पाया उतना मैंने किया भाई। ये तो हमेशा बिगाड़ने का काम करता है, पता नहीं कितनी गड़बड़ कर रखी है। अरे बस करो, इतना मत सताओ इसे, चलो खाना खाते हैं, है ना? ये हुई ना बात, कम से कम तुम्हें इतना तो याद है, चलो। ओके चलो चलते हैं। आज खाने में क्या आया है? सर गौड़ा के घर से चिकन आया है सर। Hey, तुम कौन हो? सर मेरे दादाजी अपने बेटे को मारने जा रहे हैं सर, प्लीज जल्दी चलिए सर, प्लीज सर। hey, क्या चल रहा है वहाँ? एक लड़की आई है सर। लड़की आई है, छोटी है या बड़ी है? छोटी बच्ची है सर। छोटी, बाहर भेजो उसे। hey, चलो जाओ जाओ, चलो घर जाओ। पुलाव चाहिए क्या? पुलाव नहीं चाहिए। तुम क्या लायो? मुझे भी भूख लगी है। ए, ये लो पानी। थैंक यू। विक्रम वहाँ देखो, कोई बच्ची रो रही है वहाँ पर। हाँ यार बच्ची, वो भी इस जंगल में, उसे बुलाए क्या? हाँ। ए, यहाँ जंगल में लड़की, चुपचाप खाओ यार। अरे यार वहाँ देखना। हा? ये मैं क्या अजीब देख रहा हूँ? क्या हुआ, भूख लगी है क्या? नहीं भूख नहीं लगी है। तुम रो क्यों रही हो? मेरे दादाजी अपने बेटे का खून करने जा रहे हैं। क्या क्या बोल रही है? तुम्हारे दादाजी अपने बेटे का खून करने जा रहे हैं? हाँ। ये कैसी अजीब बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। प्लीज जल्दी से आइए ना, अगर हमने नहीं रोका तो उनका बेटा मर जाएगा। ये कुछ अजीब सा लग रहा है, चलो जाकर देखते हैं। अरे विक्रम ये जंगल है, ऊपर से ये बच्ची इतनी छोटी है, मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। दीदी प्लीज कम से कम आप तो बोलिए ना। ठीक है हम आते हैं, पर वहाँ कैसे आएंगे हम? आप लोग उस तरफ से आइए, मैं इस तरफ से भाग कर जाती हूँ और आपको वहाँ मिलूंगी। मुझे तो लग रहा है वो हमें फंसा रही है। चलो इस तरफ से जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। इसे गाड़ी में बैठने के लिए बोला तो बैठ नहीं रही, ये इस तरह भाग क्यों रही है? हाँ वो हमारे साथ गाड़ी में भी तो आ सकती है, देखो ना बेचारी कैसे भागी जा रही है। बाहर गेट लगा हुआ है। ये सब बहुत अजीब है, मुझे नहीं लगता हमें इसके अंदर जाना चाहिए। डॉली तुम चुप रहो, शिवू तुम गेट खोलो, हम अंदर जाके पता करते हैं। वो उधर गई क्या? लगता है वो अंदर गई होगी। क्या हमारा इस बंगले में जाना ठीक रहेगा? शायद वो हमें इसीलिए यहाँ लेकर आई है। तो क्या करें फिर, चले अंदर? हाँ चलो चलो। अरे ये आ जाइए दादाजी अंदर है, चलिए। नहीं दादाजी ऐसा मत कीजिए, रुकिए। समथिंग इज रॉन्ग, मुझे इंडिया जाना ही होगा। फिर भी उसे नहीं छोड़ूंगा,
नहीं छोड़ूंगा उसे। अगर उसे छोड़ दिया तो वो इस बंगले का सर्वनाश कर देगा। ये बंगला मेरे लिए जान है, मेरी बीवी की जायदाद है। हमारे पास यही प्रॉपर्टी बची है। इस बंगले का सर्वनाश नहीं होने दूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। वैसे तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? वहां बीमारों का इलाज करना छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? हम कौन है इस बारे में आप जानते हैं? क्यों नहीं जानता, मुझे सब कुछ पता है। चलिए अब दादाजी को रेस्ट करने दीजिए। बैठ जाइए। अरे ये जो बोल रहे हैं हम उसे क्यों मान रहे हैं? वैसे यहाँ हो क्या रहा है? आपकी वजह से दादाजी का बेटा बच गया, लेकिन ये बेचारा मर गया। क्या मर गया? ये मर गया? वो इस बंगले का सर्वनाश करने आया था। तो फिर हम लोग यहाँ क्यों? अब हम निकलते हैं। नहीं, आज रात आप यही रुकिए। रात में और यहाँ? नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा। मैं यहाँ नहीं हूँ क्या? मैं तुमसे छोटी हूँ ना? ए, मुझे इन सब की आदत नहीं है। प्लीज दीदी, कम से कम आप तो बोलिए, आज रात को यहीं पर रुकिए, सुबह चले जाना। सुबह तक हम जिंदा बचेंगे, इसकी क्या गारंटी है? मैं गारंटी देती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा अंकल। अरे लड़की मेरे दिल की बात कैसे सुन रही है? ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए आज रात हम यहीं रुकेंगे, ठीक है ना? थैंक यू अंकल। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश फिल्मों की तरह इतने बड़े बंगले में ये दोनों अकेले हैं। ये दोनों इंसान ही है ना? दादाजी जो चित्र बनाते हैं उस चित्र का इंसान मर जाता है, जरूर कुछ मिस्ट्री होगी। हाँ। मिस्ट्री तुम्हारे लिए है, लेकिन मेरे लिए? मेरा नाम है भास्कर भट्टाचार्य, चित्र कलाकार हूँ। चित्र बनाने के अलावा टेलीपैथी भी सीखा है। मुझे प्रकृति के सौंदर्य को प्राकृतिक रूप में चित्र बनाने की ख्वाहिश है, इसलिए मैं ज़्यादातर बाहर की दुनिया में जीता रहता हूँ। मेरी बीवी का नाम है वसुंधरा, वो अकेले ही बंगले में रहती थी। क्या हुआ पता नहीं, एक दिन अजीब सा लग रहा था तो मैं घर लौटा। वसु सो रही हो? कम से कम आपको घर की याद तो आई। वो क्या है ना, ठीक है एक मिनट में आता हूँ। विश्वा ने फोन किया था क्या? नहीं, 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई फोन नहीं आया। लगता है बिजी है बहुत आजकल, कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नाराज क्यों होगा, नया जॉब है तो बिजी होगा। ये भी ठीक है। ठीक है, एक मिनट में आता हूँ। उसके बाद मैं घर में ही था, प्रार्थना, योगा, ध्यान, कभी कभार चित्र बनाना। यही मेरी रोज की दिनचर्या बन गया। गरीब माँ बाप के बच्चों के लिए स्पेशल आर्ट क्लास शुरू की थी।
उसी में मेरी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी। एक दिन सुबह वसुंधरा के लिए कॉफी लेकर गया। वसु वसु ये लो कॉफी, बहुत गर्म है। पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जब सुबह जल्दी नहीं उठी तभी समझ गया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे वहां कौन है? ए, सुनो, वहां क्या कर रहे हो? किसी से पूछे बिना जमीन खोदते हैं? तुम लोग कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? तार बांध रहे हैं फेंसिंग। अरे बाबा, ये मेरी जमीन है और मालिक मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस बारे में एमएलए से जाकर पूछो। कौन है वो एमएलए? मालिक मैं हूँ और मैं पूछ रहा हूँ। चलो उठो। अरे जाकर उनसे पूछिए ना, निकलो यहाँ से। ये क्या? अरे सुनिए, आप यहाँ जाइए। हाँ, मैं जाता हूँ, जाकर पूछता हूँ। तो क्या हुआ? बहुत बड़ा मसीहा है क्या? मैं उसके घर जाकर पूछता हूँ। यहाँ आकर अपनी दादागिरी दिखाते हो। इस जमीन का मालिक मैं हूँ। वो कौन होता है फेंसिंग बांधने वाला? अभी जाता हूँ, बताता हूँ उसको मैं कि मैं कौन। वसुंधरा, वो अपने आप को क्या समझता है? वो अपनी मनमानी करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा क्या? आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे कहाँ रख दिया मैंने? क्या कर क्यों रहे हैं? अरे मैं जमीन के कागजात ढूंढ रहा हूँ। कहाँ चला गया वो? देखिए, हमारा वक्त खराब चल रहा है। अभी अभी थोड़ा सा सब्र रखिए ना। अरे ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, वो लोग यहाँ फेंसिंग बनाने आएंगे। अरे मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो चाहे कोई भी होने दो, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। अरे छोड़ूंगा उसे, दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। नहीं छोड़ूंगा उसे। नमस्ते, मैं हाँ पता है पता है, भास्कर भट्टाचार्य। हाँ। बैठिए। नहीं रहने दीजिए। बताइए क्या कर सकता हूँ? मुझे तहसीलदार जी से मिलना है। ओ ऐसा है, एक मिनट। हेलो सर, भास्कर भट्टाचार्य यहाँ पर आए हुए हैं, अंदर भेज दूँ? हाँ भेज दो। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। यही है ना? जी हाँ। सर नमस्ते। हाँ बोलो। भास्कर भट्टाचार्य यहाँ पर आया हुआ है, उसे क्या कहना है? ओह, तो वो तुम्हारे पास आया है। उससे कहो कि उसे एमएलए ने बुलाया है और मेरे पास भेज दो। ठीक है सर। वो क्या है ना, हमारी जमीन का कागजात दिखा कर। अरे रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। वैसे आप है कौन? मैं भास्कर भट्टाचार्य हूँ, मैं चित्रकार हूँ। अच्छा। मेरी 13 एकड़ की जमीन है, वो हमारे पूर्वजों से पारंपरिक रूप से देखभाल करते आ रहे हैं। अभी वो एमएलए संपत उसे हड़पने की सोच रहा है, इसलिए ये कागजात दिखाकर उसको सबक सिखाने के लिए। मेरी बात सुनिए, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से चेक करने के लिए 15-20 दिन तो लगेंगे ही, इसलिए आप एमएलए साहब से मिल लीजिए। परेशानी तो मुझे उनकी तरफ से है ना। आप एक बार उनसे जाकर मिल तो लीजिए। ठीक है छोड़ो। तो कोई और नहीं कर पाएगा। वो है क्या? नाम क्या आपका? सही बात, भास्कर भट्टाचार्य। एक मिनट, इसलिए नहीं पाएगा। चुप करो ना सर, कोई भास्कर भट्टाचार्य नाम के आए हैं, उन्हें अंदर भेज दो क्या? ज्यादा मत, अंदर भेजता हूं। ओके सर, तो अपना काम हो जाएगा सर। आइए इनको। हां आप तो समझ गए ना। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। आइए बताइए क्या बात है। अरे मेरी जमीन की कीमत तुम फिक्स करोगे क्या? देखिए वो जो जमीन है वो मेरी है, और आप इत्मीनान रखिए, मैं कभी किसी पर अन्याय नहीं करता हूँ। लेकिन तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो ना। हाँ सच है, लेकिन
टेनेंसी कानून के मुताबिक वो जमीन अब श्रीनिवास की हो चुकी है और उसका पोता वो जमीन अब जल्द ही मेरे नाम पर करने वाला है। जमीन मेरे नाम पर होते ही मैं आपको कागज दिखा दूंगा। प्रमाण पत्र तो मेरे पास भी है। हमारे पूर्वज कई सालों से वहाँ पर फसल उगाते आ रहे हैं। ना किसी श्रीनिवास को हमने ये जमीन बेची है और ना बेचने की जरूरत है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, चाहो तो एक बार देख लो। वो मुझे दिखा कर कोई फायदा नहीं है, चाहिए तो आप कोर्ट में चले जाइए। अच्छा कोर्ट? लेकिन कोर्ट में क्यों जाऊँ, सीधा सीएम के पास जाता हूँ ना। वो जमीन मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, देख क्या रहे हो, इन्हें बाहर ले जाओ। प्लीज सर आइए। अभी ना छोड़ो सर, मेरी बात। अगर सीएम के पास ये काम नहीं होगा ना तो सीधा चैनल में जाऊंगा मैं। आजा, न्याय नहीं होने दूंगा। प्लीज मेरी बात, तुम देखते रहना। लगता है कि कोई पहुंचा हुआ इंसान है। नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। मेरा नाम है भास्कर भट्टाचार्य, मैं एक चित्रकार हूँ। मेरी 13 एकड़ की जमीन को एमएलए संपत ने जबरन हड़प कर लिया है, ये बात मैं आपको बताने आया हूँ। इसके बारे में तो एमएलए संपत ने मुझे फोन पर बताया था। इस जमीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास है। ये कैसे हो सकता है सर, वहाँ तो हम हमारे पूर्वजों के जमाने से फसल उगाते आ रहे हैं सर, ये लोग कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं सर? इसका मतलब है कि सरकार आंख बंद करके जमीन रजिस्टर करवाती है। ऐसी बात नहीं है सर। ऐसा है तो आप कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज करवाइए ना। जाइए कोर्ट में कंप्लेन कीजिए, हमारा वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं। नहीं सर, डॉक्यूमेंट मेरे पास ही है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सर। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं जगह से हिलने वाला नहीं। ओ दादाजी, चलिए उठिए। चलिए उठिए, ड्रामा मत कीजिए। चलिए उठिए दादाजी। क्या नाटक कर रहे हैं, इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? चलिए चलिए जाइए अब। सर सुनो इंस्पेक्टर, उस भास्कर भट्टाचार्य को पकड़कर अंदर कर दो सर, और ये केस खत्म होने तक उसे अंदर ही रखना, समझ गए? यस सर। हम पूर्वजों के जमाने से उस जमीन पर फसल उगा रहे हैं, किसी और को उस जमीन पर हक जताने का अधिकार ही नहीं बनता है। आप इसकी कोर्ट में चर्चा कीजिए। आपके खिलाफ कंप्लेंट है, पुलिस स्टेशन चलिए। मेरे खिलाफ कंप्लेंट? इन्होंने ऐसी क्या गलती की है साहब? आप चुप रहिए। आर्ट के नाम पर तुम लड़कियों से धंधा करवाते हो, ऐसी कंप्लेंट आई है हमारे पास। हाँ सर, आर्ट क्लास के नाम पर बुलाकर ये हम सभी लड़कियों के साथ गलत बर्ताव करते हैं। अरे बेटी, तुम क्यों इस तरह बात कर रही हो, तुम तो अभी भी क्लास में ज्वाइन हुई हो ना। इंस्पेक्टर साहब, इनकी उम्र का लिहाज कीजिए, ये ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते। ए, आपको जो भी कहना है ना, पुलिस स्टेशन में आकर कहिए। चलिए आप। असो, तुम चिंता मत करो, ये जो भी हो रहा है सब उसका प्लान है, मैं चलता हूँ। सुनिए, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूं। कोई बात नहीं। ओके सर। ये क्या कर रहे हो, मुझे अंदर क्यों डाल रहे हो? मैं कौन हूँ पता है? भास्कर भट्टाचार्य, चित्र बनाने वाला कलाकार। मैं या इस तरह अंदरों का चैनल वालों को पता चल गया तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग नहीं बचोगे, देख लेना। अपना मुंह बंद करो। वी आर्ट क्लास चलाने के नाम पर तुम लड़कियों का शोषण करते हो, ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पुलिस इनको लेकर गई,
इस बात को 3 महीने हो गए, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। भास्कर भट्टाचार्य। वसु कॉफी। आज आप मुझे दिखाई दिए, पता नहीं आप कैसे होंगे। ए भट्टाचार्य, कोर्ट का फैसला आने तक अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो तुम लड़कियों का शोषण करते हो, ऐसा केस बनाऊंगा। भट्टाचार्य जी, आज जजमेंट का दिन है और लगता है कि फैसला उनके हक में होने वाला है। सर, भट्टाचार्य जी, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, आपको कुछ नहीं होगा। बदला बदला, किसी को मत छोड़ना, अपने सीने में बदले की आग जला लो, अपने आंसुओं को जहर बना लो, किसी को मत बख्शना, सबको खत्म कर देना। वो आएंगे, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मुझे कैंसर है, इस बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। चलो बाहर आओ, नीचे उतरो। बुटे, कम से कम अब तो सुधर जाओ। चलो। आखिरकार आप आ गए ना।
मैंने आपका बहुत इंतजार किया। अब दोबारा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वसु, तो आगे सुनने के लिए बेताब हूँ। लेकिन इनकी आगे की कहानी हम कैसे जान पाएंगे? अरे हम किस काम से आए थे और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे दोनों काम एक ही है, वो माइंड टेस्ट है और ये मिस्ट्री टेस्ट है। अरे, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? अरे ये तो चित्रा है, ऐसा है तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रही? चित्रा तुम यहाँ आओ। हाँ आ जा बेटा। क्यों आग से डर लगता है क्या? इस बंगले में ये दोनों अकेले, ऐसा कैसे हो सकता है यार? इस मिस्ट्री के बारे में पता लगाना ही होगा। ये दादाजी और ये लड़की कौन है इस बारे में पता लगाना ही होगा। सभी के मोबाइल में टॉर्च है ना, हम जाकर ढूंढते हैं, आज हम उसका पता लगा के रहेंगे। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो? शेर के मुंह में हाथ डालने से डर तो लगता ही है। ए, बेकार की बातें मत करो, अब दिमाग मत खाओ, चलो चलते। अब क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे? चलो डॉली चलकर देखते हैं चित्रा सोई या नहीं। मैं नहीं आऊंगी। अरे चल ना। मुझे नहीं आना। चलो हम आज्जा के कमरे में जाकर देखते हैं। ये तो
सो रही है। हाँ ठीक है, लेकिन अब दरवाजा बंद करो। चलो अब चलते हैं। चलो यहां दिखाई नहीं दे रहे। शायद हो सकता है वो अंदर हो। हाँ, चलो जाकर देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। दरवाजा खुला है, अंदर कौन है? माँ, आप कौन है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत बहुत थकावट महसूस हो रही है बेटी। आपका हाथ दिखाइए। वैशाली, वैशाली, हाँ ये तुम क्या कर रही हो? मैं पेशेंट का हाथ देख रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वहाँ पर कोई नहीं है, जल्दी आओ। नहीं, यहाँ पर वो थी। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे हा? तुम लोग यहाँ पर हो, वहाँ चलकर देखो डॉली को क्या हुआ है। ये तुम क्या बोल रही हो? पहले चलो तो। चलो 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 देखो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? अरे क्या हुआ डॉली, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? जो सवाल किया है उसका जवाब दो। अरे तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, और तुम दोनों यहाँ पर हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम खुद हमें यहाँ लेकर आई हो और तुम डर रही हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं। अरे डॉली, 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 दरवाजा खोलो डॉली। तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? ओके ओके चलो यहाँ से चलो। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। शायद ये चित्रा का खिलौना है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? अरे वो रूम में सो रही थी। ये तो कमरे में सो रही थी ना? हो सकता है वो अपना खिलौना लेने आई होगी। वो गहरी नींद में थी, मैंने देखा था। देखो हमें किसी का रहस्य नहीं खोजना है, बस यहाँ से निकलते हैं। अरे सुनो, हमें अज्जा के बारे में पता लगाना होगा। प्लीज फॉलो मी। ऐसा लगता है ये कमरा काफी सालों से बंद है। कैसा कमरा है? कितनी धूल है यहाँ। अरे ये कोई कमरा नहीं है, बड़ा हॉल है। देखो यहाँ कितने सारे कैनवस हैं और चित्र हैं। यहाँ पर इतने सारे चित्र रखे हुए हैं, मतलब कोई बड़ा चित्र कलाकार है। भास्कर भट्टाचार्य, ओ ये भट्टाचार्य वाकई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, इनका नाम भी बहुत मशहूर है। वो क्यों भूत प्रेत का खेल खेलेंगे? अभी ये हमारे लिए जरूरी है क्या? अरे इसे देखो, ओ गले में रेड लाइन है, मतलब इनका भी खून हुआ है। किस किस का खून हुआ है उनको ढूंढना होगा, ठीक से ढूंढो। हाँ। हे, एक और फोटो मिली है, मतलब इसका भी खून हुआ है क्या? यस, इसका मतलब चित्र में जो कोई भी है वो मर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, फोटो खींचो। हाँ। फोटो खींचो यार, इन सबको हमें हाँ। पब्लिक करना चाहिए। हाँ। हाँ। अरे ये क्या हुआ? ये टॉर्च कैसे बंद हो गया? टॉर्च ऑन करो, बंद कैसे हो गया? शिट, मेरा फोन ऑन ही नहीं हो रहा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। अरे इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रही है? चलो
दादाजी को बहुत गुस्सा आता है, उन्हें गुस्सा मत दिलाइए, संभल कर रहिए। आगे क्या करना है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी यहाँ से चलते हैं, चलो। इतनी रात को जंगल में बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनो, सुबह होते ही यहाँ से निकल चलेंगे। अबे चुपचाप सो जा। सो जाएं? यहाँ बेडरूम में एसी लगा है क्या? आंख बंद करने में भी डर लग रहा है। तो एक काम कर, आंखें खोल कर सो जा। विक्रम, हे विक्रम, उठ यार। डॉली उठो, वैशाली चलो निकलते हैं, चलो। चलो जल्दी करो। लगता है पुलिस आ रही है, अब हम क्या करेंगे? शायद वैन को देख लिया होगा, हमें किसी की भी नजर में नहीं आना चाहिए, हम लोग कहीं जाकर छुप जाते हैं। चलो 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 चलो। ओहो, ये क्या है सर? ये तो भूत बंगला लगता है। पूरा खंडहर बना हुआ है। उसकी मौत यहीं पर हुई थी, यही कहा था ना? फिर तुम लोग कैसे बच गए? कहीं वो हार्ट पेशेंट तो नहीं था? नहीं सर, वो बहुत ही तंदुरुस्त था, बहुत ही बिजी आदमी था सर। तो तुम्हारा कहना है कि इस बंगले में भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं? ये जानते हुए भी तुम यहाँ पर क्यों आए? सर मैंने उन्हें समझाया था कि ये बंगला डरावना लगता है, इसके झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब उसकी मौत प्रेत आत्मा की वजह से हुई है ना? और क्या सर, क्योंकि वो आदमी अचानक से मर गया ना। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ से। सर फिर उसकी मौत का कारण? अरे ये खुद कह रहे हैं कि उसकी मौत प्रेत आत्मा की वजह से हुई है। चलो यहाँ से। चलिए, हमको क्या करना है? ए भाई चलो। ए, ये अज्जा कहाँ गया? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, विक्रम, अभी पीछे से कोई गया। ए, आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, चल। अभी ये सब क्या हो रहा है? अंदर चले क्या? चल। दादाजी का कपड़ा, पेंटिंग, स्टैंड, सब पर धूल लगी है। कुछ भी कहो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कोई देखरेख करने वाला नहीं है, इसलिए ये हालत हो गई होगी। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे ये तो कल वाला कोट है जो दादाजी ने पहना हुआ था, अब यहाँ ऐसे क्यों पड़ा है? ये कौन सा पर्चा है? रुद्राश्रम? आ गए तुम, चलो जल्दी करो, उठाओ बैग। आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ चित्रा, हम लोग जा रहे हैं।
चलो चलते हैं। हाँ, अच्छा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पुलिस वाले हमारे वैन को देखकर वापस क्यों चले गए? कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकलकर सीधा रुद्राश्रम जाना होगा। क्या रुद्राश्रम? हाँ, अज्जा ने जो कोट पहना था उसमें एक रसीद मिली है, वो रसीद रुद्राश्रम की है। चलो चलते। इसका हमें पता लगाना होगा। मैं और शिबू वृद्धाश्रम जाकर आते हैं, तुम लोग होटल के रूम में रुको। हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों होटल के रूम में आराम से रहेंगे, लेकिन वापस जाते समय हमें छोड़कर मत जाना। जब हम लोग वापस आने लगे थे तब बेचारी चित्रा कितना उदास हो गई थी। लेकिन वो अज्जा कह रहा था कि हम लोग वापस जरूर आएंगे, इसका मतलब क्या हो सकता है? वो तो पता नहीं, लेकिन दोबारा उस बंगले में हम नहीं जाएंगे। सर, कोई डॉक्टर मिलने आए हैं। अच्छा, हेलो सर। हेलो, हम लोग मोबाइल मेडिकल चेकअप करने के लिए आए हुए हैं, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। अंदर आइए, बताइए। ये जो रसीद है वो आपके आश्रम की है? हाँ, ये हमारा ही है। क्या हम भास्कर भट्टाचार्य से मिल सकते हैं? अभी तो वो यहाँ पर नहीं है। नहीं है तो कहाँ गए हुए हैं? पता नहीं। पता नहीं है, इसका क्या मतलब है? बताता हूँ सर। समिता, कॉफी लेकर आओ, बैठिए ना सर। थैंक्स। मैं बताता हूँ सर, उनकी बहुत बड़ी कहानी है। उनका बेटा विश्वास भट्टाचार्य को यहाँ लेकर आया था, वो यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, फिर भी उनको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया था। ऐसा लगता है मजबूरी में आए हूँ। ये तो काफी अच्छा वृद्धाश्रम लग रहा है, इन्हें यहीं छोड़ना ठीक होगा। कौन चाहिए? मेरा नाम विश्वास है सर, और मैं अपने पिताजी के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। उन्हें मेंटल डिसऑर्डर है, उनकी अच्छी देखभाल करनी होगी, और मैं अपना कॉन्टैक्ट और एड्रेस नहीं दे पाऊंगा। बस नहीं दे पाऊंगा क्या मतलब है? वो छोड़िए, मैं आपको अच्छा खासा पैसा दूंगा, आप बस बोलिए। ओके। मेरे पिताजी गाड़ी में है, किसी को भेज देंगे आप प्लीज? ए मनी। हाँ सर। बाहर गाड़ी में इनके पिताजी बैठे हैं, जाकर लेकर आओ। ठीक है सर। ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात है? ये कोई अनाथ आश्रम है क्या? वृद्धाश्रम है, आपको वहाँ बंगले में अकेले रहने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ अच्छे से रह सकते हैं, ये लोग आपकी देखभाल करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं भले मर जाऊं लेकिन मैं अपने बंगले में रहूंगा। पिताजी आप जिद मत कीजिए। मुझे लेकर मुझे मुझे मेरे घर वहां पर आकर रहना नहीं, कोई नहीं, मुझे घर जाना है। चल यहां पर, मुझे नहीं रहना यहां पे। मेरे पिताजी की तरफ खास ध्यान रखना और उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़ना। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। विश्वास, मुझे छोड़कर मत जा। विश्वास, मुझे छोड़कर मत जा। विश्वास, विश्वास, छोड़कर मत जा। मुझे नहीं रहना, नहीं रहना। ओ, अपने दादाजी हैं। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जाता, लेकिन आज मुझे छोड़कर वो आ जाएंगे। आप परेशान मत होइए, मैं आपका ख्याल रखूंगी दादाजी। नहीं, मुझे नहीं रहना है, मेरा बेटा आएगा मुझे लेकर। विश्वास, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप चुप हो जाइए दादाजी, डरिए मत। हाँ
चाचा जी बहुत खामोश रहते थे, लेकिन चित्रा उनके साथ हंसती खेलती थी, उन्हें खुश रखती थी, वो उनका ध्यान रखती थी। वो मेरा इकलौता बेटा था। जब मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता था और वो गेट के अंदर जाता था तो ये देखकर मेरा कलेजा फटता था। मैं उसको छोड़कर कभी नहीं रहता था। दादाजी, वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। हाँ दादाजी, आप मुझे अपनी बेटी समझिए। तुम हमेशा मुझसे बात करो कि ना। हाँ, आप रुकिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अरे वो बार बार बोलते हैं कि आकर मिलेंगे, लेकिन उनका साल में एक बार भी आना मुश्किल है, और जब आते हैं तब सोचते हैं कि बुड्ढा अभी तक मरा क्यों नहीं है। दादाजी इस तरह की बातें मत कीजिए। दादाजी एक चित्र बनाकर दीजिए ना, दीजिए ना दादाजी। वाह तोता। दादाजी आप कितना अच्छा चित्र बनाते हैं, क्या आपको कोई प्राइज नहीं मिला? अरे इस भास्कर भट्टाचार्य को बहुत सारे प्राइज मिले हैं, उसे मैंने अपने बंगले में रखा हुआ है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर दिखाऊंगा। मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ दादाजी। अरे मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। ऐसा है दादाजी? ए चित्रा, क्या इस बुड्ढे के साथ बकवास कर रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। ए, क्यों बच्ची को इस तरह डांट रहे हो? मुंह बंद करके बैठ बुड्ढे। मेरे बेटे को आने दे, कंप्लेंट करूंगा मैं। जब आएगा तो देख लूंगा। हाँ ठीक है। लोग तो ऐसे ही होते हैं, हमारे साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं। जब अपनों ने ही हमें छोड़ दिया है तो इनसे क्या इज्जत की उम्मीद करना। ए स्वामी चुप रहो, एक तो वैसे ही जिंदगी लाचार है, बाकी की जिंदगी चुपचाप गुजार लो। तुम्हारा चित्र देख कर ये बहुत खुश है।
मैं इस बच्ची को अपने बंगले पे ले जाकर इसकी परवरिश करूंगा। ओ ऐसा है दादाजी, फिर मैं आपके साथ आपके बंगले में आ सकती हूँ। मैं उनके ऊपर बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उनका बर्ताव ठीक नहीं था। कुछ भी करते थे, कुछ भी बोलते थे। उन्होंने 4-5 दिनों से खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ दूध और पानी पीते थे। बहुत दिनों से वो गुस्से में और परेशान थे, चिड़चिड़े रहते थे। चित्रा ही उनके साथ बहुत समय तक रहती थी। उस लड़की को ये डर रहता था कि उनको कुछ हो न जाए। दादाजी। ये क्या है बताइए? आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं केक लेकर आई हूँ। मेरा बर्थडे है, इसका मतलब मैं अभी जिंदा हूँ क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं दादाजी? आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा। मुझे जरा गेट पर छोड़ देना, नहीं तो ये मैनेजर है ना, वो मेरे बेटे से पैसे लेकर उसे बाहर से ही वापस भेज देगा, इसलिए मुझे गेट तक छोड़ देना। मोमबत्ती को बुझाइए दादाजी, सब लोग आ जाओ। मोमबत्ती बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है और अच्छा भी नहीं है। हम अपनी संस्कृति के हिसाब से करेंगे। ऐसा मत बोलो, मैं बुझाता हूँ। आप आपस में बांट लीजिए। हाँ, मुझे गेट तक लेकर जाना है। मेरा बेटा विश्वास आने वाला है, वो मुझसे मिलने वाला है। विश्वास, विश्वास, मेरा बेटा आया क्या? ए, इस बुड्ढे को लेकर कहाँ जा रही हो? आज इनका बर्थडे है, इनका बेटा आने वाला है। फोन पर तुमको बताया है क्या? इनके बेटे ने तो मुझे ही नंबर नहीं दिया है। मेरे बेटे का नंबर तुम्हारे पास नहीं है क्या? नाटक मत करना। ए बुड्ढे, मैं क्यों नाटक करने लगा? उसका फोन नंबर लेकर मुझे क्या फायदा है? मुझे हर महीने मेरे पैसे मिलते रहे, बस वो मुझे मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है तो वो फिर मेरी खैरियत के बारे में कैसे जान पाएगा? वो मुझे बंगले में कैसे लेकर जाएगा? बात उसके आने के बाद पूछ लेना। चलो इधर, चुपचाप जा, लेके जा। इसका बेटा अब यहाँ पर नहीं आएगा। धोखा, धोखा! सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, सब लोगों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली है। वो तो मेरी तो सिर्फ एक ही जायदाद बची है, मेरा बंगला, मेरा बंगला। मैं ऐसे बंगले को बर्बाद नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ए बड़ौ, क्यों चिल्लाकर सबको परेशान कर रहे हो? तुम्हारी उम्र के और भी सारे लोग यहाँ पर हैं, इनको क्यों परेशान कर रहे हो? चुपचाप नहीं रह सकते? मेरे बेटे को बुलाओ, बंगलों की तरह मुझे बंगले में जाना है। मुझे बंगले में ले चलो, बंगले में ले चलो बोलते रहते थे, एक ही शब्द को दोहराते रहते थे। जल्दी चलो, जल्दी, उसके आने से पहले हमें बाहर जाना होगा। जल्दी 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 जल्दी। उस दिन रात को मैं कहीं बाहर गया था, मुझे आने में बहुत देर हो गई थी। आकर देखा तो आश्रम का दरवाजा खुला था। अरे कौन है यहाँ? तुम इधर आओ, रात के 12 बज गए, दरवाजा खुला क्यों है? वो जो चित्रा है ना, वो अच्छा को लेकर बाहर गई है। वो चित्रा दादाजी को लेकर बाहर गई है? बस मुझे इतना ही पता है, उसके बाद मैंने उनको बहुत ढूंढने की कोशिश की। आप बंगले में नहीं गए क्या? बंगला? कौन सा बंगला है सर?
मैं किसी बंगले के बारे में नहीं जानता, उसके बेटे ने भी बंगले के बारे में नहीं बताया। उसके बाद वो कहाँ चले गए कुछ पता? मुझे कुछ पता नहीं है सर, उनके बेटे का उसके बाद फोन भी नहीं आया। नहीं सर, एटलीस्ट पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए थी, इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? अगर पुलिस कंप्लेन करता तो हमारे आश्रम का नाम खराब हो जाता। अभी हम लोग चलते हैं, वो दादाजी और बच्ची मिलना चाहिए, नहीं तो आपको भी तकलीफ होगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, ऐसे लोगों की सेवा करने के चक्कर में हमारे आश्रम का नाम बदनाम होते जा रहा है, अब मैं क्या करूं बताइए। छह, आप लोग कभी नहीं सुधरेंगे। शिवू चलो चलते हैं। वैशाली, डॉली, तुम लोगों ने होटल तो नहीं छोड़ा? हम लोगों को वापस बंगले में जाना होगा। अरे यार, फिर से उस बंगले में? हमें जाना चाहिए, उस बंगले के अंदर कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है। आश्रम का मैनेजर बालाजी ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। अरे ये सब पता करके क्या मिलने वाला है? इंजेक्शन लगाने की बजाय लगवा मत लेना। अरे डॉक्टर बनने से पहले मेरा फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना था। क्या नया बम फोड़ रहा है यार? ये मजाक नहीं, फैक्ट है। मैंने भी पहले साइकेट्रिस्ट बनने का सपना देखा था। डॉली तुम भी अपना सपना बता ही दो। मेरा सपना रहने दो, लेकिन हम वहाँ वापस क्यों जा रहे हैं? सही सवाल, मेरी जोड़ीदार बनने लायक हो तुम। वो दोनों इतने बड़े बंगले में अकेले रहते ये कैसे संभव है? पता लगाना होगा। हाँ हो सकता है कि वो लोग मर गए हो। सुन, कुछ भी हो पता लगाना होगा। पता नहीं, जब से हम लोग यहाँ आए कुछ ठीक नहीं हो रहा। कुछ भी कहो, उसे देखकर मुझे तरस आता है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो बच्ची तुम्हारी हो। विक्रम, क्यों शर्म आ रही है क्या? क्या कुछ भी। इतनी शर्मा क्यों रही हो, वो तो जल्दी होगा ना। ज्यादा ही बोल रही हो तुम। कौन हो तुम लोग? सुनाई क्या तरीका है? गाड़ी हटा, गाड़ी सामने से। गाड़ी हटाओ बोला ना। सुनाई नहीं आ रहा क्या? हटा गाड़ी, गाड़ी हटाओ। अरे जल्दी करो, हटाओ गाड़ी। क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन है इनके हाथों में? तो ये सब क्या है? चल क्या रहा है? बाहर निकालो, बाहर हो जा। अरे बाहर, लड़के को बाहर निकालो। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विक्रम, ये लोग चाहते क्या? ये कहाँ ले आए हमें? ये हम लोग कहाँ हैं? ऐसा लग रहा है कोई कमरा है, और बहुत धूल भी है। ये बदबू कैसी है? अरे ये लोग हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अरे यार कहाँ लेकर आ गए ये लोग हमें? मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ए, पहले अपनी आंखों से पट्टी तो खोलो। ओ, अरे हाँ यार, इस बंगले से अच्छा तो वही वाला बंगला था यार। लेकिन इन्होंने हमें किडनैप क्यों किया है? यही सवाल मेरे अंदर भी है। हम कोई राउडी नहीं है, गुंडे नहीं है, किडनैपर्स नहीं है, पता नहीं क्यों लेकर आए हैं। बिना किसी वजह के इतनी तकलीफ करके कोई किडनैप क्यों करेगा? कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? ऐसे खींच कर दूंगी ना। इस समय तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मैं ना सारे दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। बात तो सही कह रही हो यार, चलो ठीक है रहने दो। अरे तुम लोग जरा चुप रहोगे क्या? हमें इन लोगों ने किडनैप क्यों किया है, और ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? सुनो भाई साहब, अरे खाने को तो कुछ दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है यार, प्लीज। ये लो खा लो। मुझे नहीं चाहिए। अरे लो यार खा लो। लाओ। हे हे, जाओ यहां से। तुम तो खा लो। क्या यार जाने दो। देखो तो इसे कैसे खा रहा है। ये क्या नाटक लगा रखा है? अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। ए, सामने आओ। क्या हल्ला मचा रखा है? तुम्हें तो भूखा रखना चाहिए था, बेवजह खाना खिलाया तुम्हें। हमें यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो बताओ? क्या गलती है हमारी?
हमारे बॉस के आने तक चुप रहो वरना तुम्हें। विक्रम तुम चुप रहो, वो अपने बॉस की बात कर रहा है, तुम शांत हो जाओ। इनके पास इतनी ताकत नहीं है तो हमें किस बात का डर है? छह, तुम्हारा बॉस कब आने वाला है? हा? आने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहेंगे क्या? इसी में भलाई है वरना जान से जाओगे। देखते हैं किसकी जान जाती है। ए! विक्रम बस करो, शांत हो जाओ प्लीज। बॉस बुला रहे हैं। मतलब हमें छोड़ने वाले हो ना? वो नहीं पता। क्या यार चलें क्या? चलो चलो। तो चलें। चलो चलते। चलो चलो। बोलने के लिए कुछ बचाएगी? अरे हम लोगों को यहाँ पर क्यों लाया गया है? जो पूछा है उसका ही जवाब देने का। कैसा लगा अपना ट्रीटमेंट? बहुत अच्छा था सर। झूठ बोल रहे ले क्या? अच्छा लगता ना तो दो चार दिन और रहने का। सर आपके और हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी है। हम लोग यहाँ आए हैं जनता की सेवा करने के लिए, आप ऐसे हम पर जुल्म क्यों कर रहे हो? इसके पीछे एक वजह होना। काम पूरा करके आ गया। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ भाई। लेकिन ऐसी क्या वजह है सर? तुम लोग आए खून करने को ना? खून करना है वो भी हमें? हाँ तुम लोगों को करना पड़ता। क्या हो रहा है? इंजेक्शन लगाते हुए हमारे हाथ कांपते हैं, तो हम खून कैसे कर सकते हैं सर? नहीं तो फिर तुम सब लोग खत्म। क्या बात है सर, आप ऐसे ओपन मर्डर की बात कर रहे हो? मेरे पास तुम लोग ड्रामा नहीं करने का। तुम चारों को दो खून करने को ही छोना। अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो तुम्हारा इच पत्ता काट। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमने आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। ए, चुप हो जा। बताइए किसको मारना है सर? उस बंगले में दादाजी और बच्चे उनको। अपन की बात सुन ले क्या? उस बंगले के अंदर जो दादाजी और बच्चे उन्हें कुछ मारने का। हम लोग उस बंगले के अंदर नहीं जा सकते। तुम लोग बंगले के अंदर थे, मेरे आदमियों ने देखा है। तुमने अंदर क्या किया? हमने उन दादाजी और बच्ची से बात की, बस इतना ही। ऐसा क्या? इसके लिए तुम लोग करेक्ट है, तुम लोग ही अंदर जाकर उनको मारेगा। सोच के रखना, तुम लोग अंदर जाकर मारेगा या मरेगा। ए, चल रहे उठा रहे। उस बच्ची को मारना है ये नामुमकिन है, और उसके दादा को कैसे मारेंगे? उन्हें तो देखकर ही डर लगता है। वैशाली अभी हम कोई फैसला लेने की हालात में नहीं है। कोई फैसला तो लेना ही होगा, उनको मारना होगा या हमें मरना होगा। अरे दोनों एक ही बात है, अगर हम उस दादाजी को और बच्ची को मारेंगे तो हमें सजा जरूर मिलेगी और पुलिस हमें पक्का ढूंढ निकालेगी। इसका मतलब हम लोग यहाँ मरने के लिए आए हैं क्या? प्लीज विक्रम कुछ तो करो, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। नामुमकिन, यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये कोई बड़ा सा बंगला नहीं है, छोटा सा बंगला है। इसका मतलब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें खूनी बनना ही पड़ेगा। तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उस बंगले में जाने के बाद बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे। जो लोग हमें मारना चाहते हैं वो हमें फॉलो नहीं करेंगे क्या? अगर ऐसा होगा तो हम लोग बैंगलोर कैसे पहुँचेंगे? बैंगलोर, उस बंगले में पहुँचने के बारे में सोचो। विक्रम हम लोग ये खून करेंगे। यस हम लोग ये खून करेंगे। करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा।
उस बंगले के अंदर जाने का एक ही रास्ता है। फिर भी हमारे आदमी तुम्हारा बाहर इंतजार करेंगे। उस दादाजी और बच्ची को मारने के बाद ही तुम्हें आजादी मिलेगी। देख क्या रहे हो, आ जाओ उठा। लोग कैसे मारोगे मेरे को नहीं मालूम है। काम बजाने के बाद तुरंत बाहर आने का। ओके ओके। किसी भी वजह से तुमने उनको नहीं मारा तो तुम नहीं बचोगे। बंगले के आसपास हम लोग खड़े हैं, भागने की कोशिश की ना तो मारे जाओगे। चलो निकलो। यार यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चले गए ये लोग? कहीं इन्हें हमारे आने के बारे में पता तो नहीं चल गया था? पता चल जाएगा, मतलब क्या वो भगवान है? नहीं, लेकिन भूत तो है। ए, चुप रहो। कब क्या बात करनी है पता है तुम्हें? चुप रहो, झगड़ा मत करो। देखो इसे, लगता है वो हम सबसे बहुत गुस्सा है। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए। अरे देखो दरवाजा बंद हो गया, मुझे तो डर लग रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं। हटो साइड में। डरपोक कहीं का। अब हम क्या करेंगे? जिस काम से हम यहाँ आए हैं वो करना ही होगा क्या? हाँ वो करना ही होगा, क्योंकि हमें जिंदा रहना है। यहाँ से निकलकर जाना ही सही लग रहा है। नहीं ये नामुमकिन है। तुम जाकर उस बच्ची को संभालो, मैं और शिबू जाकर उस अज्जा को संभालते हैं। मुझे डर लग रहा है। रुको, दरवाजा मत खोलना। अब हम क्या करें? कोई रास्ता नहीं है, शूट करते हैं। क्या कहा? हमें शूट करना ही होगा। हाँ, अरे ये चित्रा कहाँ चली गई? वो सो रही थी ना। डॉली, वो तो यही सो रही थी ना, कहाँ चली गई? यही तो अजीब बात है, वो तो इसी बिस्तर पे सो रही थी। हे, देखो वो वहाँ भाग रही है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे कुछ मत करना डॉली। दीदी, चित्रा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी प्लीज मुझे मत मारो। दीदी प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज दीदी मुझे मत मारो। मुझे मत मारो दीदी, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। वो लड़की तो कहीं भी मिल नहीं रही, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हम उस अज्जा को जाकर कहाँ ढूंढेंगे? अरे ये तो अज्जा का व्हीलचेयर है। सच बोल रहे हो क्या? अरे वहाँ देखो। ए, ये तुम्हारा कोई वहम है? ए, अच्छी तरह देख, ये तो हमारी तरफ आ रही है। अरे ये तो हमारे बहुत करीब आ रही है। अबे ये तो बहुत करीब आ रही है। अरे यार ये व्हीलचेयर हमारी तरफ बढ़ रही थी ना, लेकिन वो तो वहीं पर है। ये वहम है या क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो निकलते हैं यहाँ, प्लीज चलो। कुछ तो हो रहा है, उसका पता लगाना ही होगा। अब चलो। हाँ।
मुझे बचाओ वैशाली, बचाओ। डॉली, डॉली यहाँ देखो, उठो यहाँ से, डॉली उठो, मेरे ऊपर से हटो चित्रा, वैशाली देखो ना उसे, क्या हुआ तुम्हें, उसे हटाओ मेरे ऊपर से, उठाओ उसे, वैशाली, डॉली। अरे वैशाली, ये क्या, ये तो यहाँ सो रही है, ये तो सो रही है, कितना अजीब हो रहा है, इसका मतलब हम जो देख रहे थे वो हमारा वहम था। कोई वहम नहीं है, ये हमारे साथ खेल खेल रही है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं रहने दो डॉली, हम यहाँ से चलते हैं बाहर। देखो मेरे बीच में मत आना, दूर हो जाओ। डॉली ये क्या कर रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं ना। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी एक को तो मरना होगा। डॉली ये क्या पागलपन है, किसी एक को तो मरना होगा। चलो यहाँ से। आओ मेरे साथ, जल्दी चलो। उनको दिया हुआ काम कर दिया होगा क्या? करना ही होगा, वरना उनका काम तमाम हो जाएगा। उस दादाजी के बाद इस बंगले का कोई वारिस नहीं है। अपन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर इस बंगले को हड़प लेंगे। वो एमएलए इस बंगले का डुप्लीकेट पेपर बनाकर इस बंगले को हड़पने का प्लान करके रखा है। मेरे को ये बंगला हाथ से नहीं जाने देना। कहाँ यार, कहाँ चला गया? अज्जा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो मेरी समझ के बाहर है। हाँ? 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 ए, सुन, हम एक काम करते हैं, अंदर जाकर देखते हैं। क्या लगता है अंदर मिलेंगे वो? ट्राई करते हैं, अंदर जाने में क्या है। हाँ? यहाँ तो बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ दादाजी की बनाई हुई पेंटिंग्स रखी हैं। अरे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इनको कहाँ ढूंढे। अरे चित्रा, 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 चित्रा तुम कहाँ हो? अरे वो यहीं थी ना, अचानक कहाँ चली गई पता नहीं। चित्रा, चित्रा पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ हो चित्रा? शायद अंदर कहीं होगी, चलो चलकर देखते हैं। अरे चलो ना, ध्यान से देखो। हाँ यहाँ कोई बैठा हुआ है। हाँ यार, अरे बाप रे, ये तो एमएलए है ना, अरे वो यहाँ क्यों आकर बैठा है? अरे कहाँ गया वो? हाँ यहाँ तो सच में भूतों का डेरा है, ये सब क्या हो रहा है? चलो मैं तहसीलदार हूँ। ये सब लोग कौन है और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, चलो यहाँ से निकलने की सोचते हैं। ये कौन है? लगता है ये इंस्पेक्टर है। अरे इंस्पेक्टर लगता नहीं है, वो इंस्पेक्टर ही है। अरे वो पीछे क्यों आ रहा है? अरे ये क्या, इसके तो गर्दन ही नहीं है, अरे इसका तो सर गायब है। चल निकल यहाँ से। अरे बाप रे, बाप रे। सुन, हमें बचकर यहाँ से बाहर जाना होगा। पहले मिनिस्टर आता है, फिर तहसीलदार आता है, उसके बाद इंस्पेक्टर, और कौन कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए, चलो चलते हैं, चलो। हे शिबू, शिबू क्या हुआ? अरे वहां क्यों बैठा है? वहां क्या कर रहा है तू? चल जल्दी आ जा, मुझे तो डर लग रहा है। तू
ये क्या हो रहा है? शिबू तुम्हें क्या हो गया? चलो उठो आ जाओ। शिबू तुम्हें क्या हो रहा है? शिबू अरे उठकर यहाँ आ जाओ जल्दी। शिबू तुम्हें क्या हो गया? शिबू क्या हुआ? शिबू चलो उठो। वो दादाजी खड़े थे यहाँ, मैंने खुद देखा। पागल है? अच्छा यहाँ कहाँ से आएगा? चलो चलो। अरे वो लोग यहीं पर हैं, आप क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो। बहुत टाइम हो गया, क्या करे ले वो लोग? गोली चलने की भी आवाज नहीं आ रही। तो प्लान क्या है? वो लोग अंदर जाकर खून कैसे करेंगे? प्लान तो मेरा फिक्स है, अगर उन्होंने काम नहीं बजाया तो मैं उनको छोड़ेगा नहीं साला। अरे यार अच्छा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गायब हो गया यार? हमारे यहाँ आने के बारे में उन्हें पहले से पता चल गया होगा। अरे ये क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? ये पेपर क्या है? ये तो फोटो। अरे यहाँ इतने सारे चित्र हैं, इसमें तो हमारी फोटो भी है। ये देखो मेरा फोटो, मतलब मैं मरने वाला हूँ। अरे यार ये तो मेरी फोटो है। ओ माय गॉड, बाहर निकले तो वो लोग मार देंगे और अंदर भी मौत पक्की है, हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। चलो चलते हैं। टॉर्च जलाओ। अरे तुम चेक कर। निकलते हैं। ये तो दरवाजा बंद हो गया। अब क्या करेंगे? ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम लोग जो खेल खेल रहे हो उस पर ठीक से ध्यान नहीं है तुम्हारा, ये अच्छी बात नहीं है। हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। अगर तुम लोग अच्छे इंसान हो तो तुम लोगों को खुद मर जाना चाहिए ना। मुझे मार कर इस बंगले को हड़पने का प्लान बनाया हुआ है ना तुमने? हम लोगों को ऐसा कोई लालच नहीं है। तो फिर सुपारी क्यों ली है? अगर हमें जिंदा रहना है तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन हमें एक बात बताइए, आपने इतने सारे खून क्यों किए? क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसका बदला ले रहा हूँ। आप भी एक अपराधी हो, आप बचने वाले नहीं हो। अभी भी तुम लोग जिंदा हो, बचकर निकल जाओ। Get out! चलो निकलो यहाँ से, चलो जल्दी। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखो अज्जा ने चित्र बनाकर रखे हैं, फिर भी हमें मारा नहीं जिंदा छोड़ दिया, क्यों? लेकिन बाहर वो गुंडे हमारा इंतजार कर रहे हैं, अब हम क्या करें? अंदर इनका प्रॉब्लम है और बाहर वो लोग हैं, अभी हम लोग जिंदा कैसे बचेंगे? आप लोग बचेंगे, बचकर गाँव भी पहुँचेंगे। तुम्हारे गांव जाने के बाद इस बंगले के मामले में कोई टांग नहीं अड़ाएगा, वापस लौटकर मत आना। अरे अच्छा हम लोग बाहर जाएंगे तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। मैं हूँ ना यहाँ, चले जाओ। अरे ये तो डैनी है। हाँ यार वहाँ देखो उसकी गर्दन पर लाल रंग का मार्क है। इसका मतलब डैनी मर गया। हाँ? यस। अज्जा ने डैनी को मार दिया। हाँ। अब हम लोग आजाद हैं। अब देर क्यों, चलते हैं। अरे हाँ। चित्रा और अज्जा का क्या? हाँ?
पहले हम तो यहाँ से बचकर निकले, चलो। हे, अरे वो वैन नहीं है, लगता है डैनी मर गया। चलो यार निकलते। सुनो, फिर भी हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सुनो, उन्हें छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। उसने कितने प्यार से मुझे दीदी कहकर बुलाया था। बेचारे अज्जा ने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली हैं, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। गांव पहुंचकर उनकी कहानी सबको बताएंगे, अभी चलो। चित्रा को देखकर मुझे बहुत डर लगता है, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, चलो। गांव पहुंचने के बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ है हमें न्यूज चैनल में पब्लिश करना होगा। हमें गांव पहुंचने के बाद किसी भी तरह चित्रा को बचाना होगा, सारे न्यूज चैनल्स को खबर देनी होगी। रेडी ना? हम हैं भास्कर भट्टाचार्य के बंगले के बाहर। ये बंगला कुछ अजीब बातों की वजह से चर्चा में आया है। कुछ दिनों से ये बताया जा रहा है कि इस बंगले में अजीब और गरीब बातें हो रही हैं। इस बंगले में जिनके साथ अजीब घटनाएं घटी हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। इनकी बातों के अनुसार भट्टाचार्य की जिंदगी में अजीब और गरीब घटनाएं इस घर में घटी हैं। यहाँ के अगल बगल के लोगों ने भी अपनी आँखों से ये सब देखा हुआ है, लेकिन वो लोग इस बंगले के अंदर अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे थे, ये एक राज है। चलिए तो अंदर चलते हैं। अज्जा, चित्रा, अज्जा, चित्रा, चित्रा, अज्जा, अज्जा, चित्रा, 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 कहाँ हो तुम? अज्जा, चित्रा, जल्दी आओ तुम। रहने दीजिए, छोड़िए, यहाँ कोई जीवन गुजार रहा है ऐसा कोई सबूत दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब हमारा यहाँ आना, चित्रा को देखना और हमारे इस बंगले में दिन गुजारना, ये सब वहम था? वो वहम नहीं है, आप इस बंगले में किसी बुरे इरादे से नहीं आए थे, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी ये आपके लिए एक चेतावनी है। चलिए हम आज्जा के रूम में जाकर देखते हैं। हाँ चलिए। यहीं पर हमें वो फोटो मिला था, भविष्य में हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था इसलिए हम अभी जिंदा हैं। ये अज्जा का रूम है, इसी रूम में हमने अज्जा के साथ बात की थी और उन्हें अपनी आंखों से देखा था और उनको भी हमारे बारे में पता चला। उनको देखकर हमें अजीब सा लगा था। ये चित्रा का रूम है, यहीं पर हम उससे मिले थे, बातें की थी, सब कुछ। डॉली, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार, अज्जा ने जो चित्र बनाया था वो सब कहाँ गायब हो गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कहाँ गए होंगे? यही वो इंस्पेक्टर, और ये भी मर गए हैं। और ये है एमएलए, ये भी मर गए हैं। मुझे लगता है इन सभी लोगों ने अज्जा को तकलीफ दी होगी। मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। ये अज्जा और वो लड़की दो दिन के अंदर कहाँ जाकर मर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप लोग चीटिंग कर रहे हैं। अरे सच में हम लोग यहीं पर थे, अज्जा के बनाए हुए चित्र हमने यहीं पर देखे थे। हमने उन्हें इंसान के रूप में देखा है, यहाँ पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आई एम सॉरी, ऐसी बातों पर मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। चलो यार। हेलो मैडम, प्लीज मैडम। हेलो हेलो मिस्टर, आप कौन है? आप लोग कौन है? सवाल पहले हमने किया है, आप बताइए आप कौन है? मैं आचार्य जी का बेटा हूँ, विश्वास। ओ, आप हैं क्या? आपके पिताजी को ढूंढने ही हम यहाँ आए हैं। हे हे, नो वीडियोस नो फोटोज प्लीज। अरे छोड़ना, रहने दे। मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आया था, लेकिन वो दोबारा यहीं आकर रहने लगे। आपकी जान बचाने वाली एक बच्ची है, चित्रा नाम है उसका, उसको हमने अपनी आंखों से देखा है। मुझे भी एक बार ऐसा ही महसूस हुआ था, इसलिए पिताजी को शांत करने के लिए मुझे अमेरिका से इंडिया वापस आना पड़ा। ये बंगला उन्हें जान से भी प्यारा है और इसे लेकर वो काफी परेशान थे। वो पैरासाइकोलॉजी जानते थे, उनको टेलीपैथी के बारे में पता था, वो योगा जानते थे, ये सब उन्होंने खुद सीखा था और वो हर बार कोई ना कोई नई चीज सीखते थे। इसका मतलब टेलीपैथी का सहारा लेकर उन्होंने इतने सारे खून किए।
ये तुम क्या कह रहे हो? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लगता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एमएलए, तहसीलदार और इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है और ये बहुत ही बड़ी घटना है। आप भी ये जानते होंगे ना? ये जो बोल रहे हैं और अज्जा ने जैसा बताया, इनकी बातों में कुछ तो कनेक्शन। जब उन्होंने सब कुछ बता ही दिया है तो छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं सब बताऊंगा। थैंक यू सर, मैं शूट कर लेती हूँ, बताइए। ठीक है, बताइए सर। एमएलए ने जमीन की साजिश की, इस वजह से मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ा था। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद उनके बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया। माँ का क्रियाकर्म करने से पहले वो सबको मिटाने की बात कर रहे थे। मैं इसे उनका पागलपन समझ रहा था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सभी को मार दूंगा, सभी को मार दूंगा। मैंने उन्हें चित्र बनाते हुए देखा, एमएलए संपत की, तहसीलदार की। इन सबको मैंने ही मारा है, इन सबको मैंने ही मारा है, ऐसा जोर जोर से चिल्लाते थे। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब लोग मर चुके हैं। मुझे डर था कि कहीं पिताजी को जेल ना हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया। लेकिन वो दोबारा यहाँ क्यों आ गए ये मुझे नहीं पता। ओके। पिताजी, दरवाजा खोलिए पिताजी, मैं आपका बेटा विश्वास हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज आप दरवाजा खोलिए पिताजी, मैं आपका विश्वास हूँ, खोलिए। पिताजी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और बाहर आइए, आपको कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आप बाहर आइए पिताजी। ये किसकी फोटो है? हाँ, कौन है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बालाजी की फोटो है। हाँ, लेकिन उनकी फोटो यहाँ कैसे आई? पता नहीं, उनको यहाँ बुलाएंगे तो पता चलेगा। उनके गले में रेड मार्क नहीं है, मतलब वो अभी तक मरा नहीं है। हम अभी जाकर उनको लेकर आते हैं। शिबु, मेरे साथ चलो। हाँ सर, ओके सर, राइट सर। उन्हें फॉलो अप करो सर। क्या चाहिए आपको? आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? बंगले में। बंगले पर? कौन सा बंगला? उससे मेरा क्या संबंध है? संबंध है। ज्यादा नाटक मत कीजिए, बेकार में मर जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं आने वाला। शिबू, चलिए। आपने चित्र क्यों बनाया है? आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे डर लग रहा है कि आपको कहीं कुछ हो ना गया हो पिताजी। मैं जानता हूँ कि आप यही हैं। आप बाहर आइए, प्लीज प्लीज बाहर आइए पिताजी, प्लीज पिताजी। वो कहीं पर नहीं है। इसका मतलब? मैं उनको खुद इस बंगले में लेकर आया। उस समय क्या हुआ था, आप जरा विस्तार में बताइए प्लीज। उस रात को चित्रा दादाजी को लेकर बाहर निकले और हम उनको इस बंगले पर लेकर आए, ऐसा प्लान करके हम लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। जल्दी जल्दी कर, जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल, जल्दी। अरे ये कौन है? चित्रा, दादा को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? इनके बंगले में, इन्हें अपना बंगला देखना है कह रहे थे। अच्छा, वो तो बहुत दूर है यहाँ से। एक काम करते हैं, हम इनको कार में लेकर जाते हैं, चलो चलते हैं। अरे तुम कार में लेकर? हाँ दादाजी, आपको कार में लेकर जाएंगे। दादाजी के बारे में मुझे पता चला, उनका बेटा उनको आश्रम में छोड़ने के बाद उनसे मिलने के लिए दोबारा कभी आश्रम में नहीं आया। ये बंगला हड़पने की ख्वाहिश मेरे मन में भी थी। हाँ, यही है मेरा बंगला। बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा बंगला है। हाँ? बहुत शानदार है दादाजी। दादाजी, इस पेपर पर साइन कर दीजिए। ये किस लिए है? हम आपको इस बंगले में छोड़ कर जा रहे हैं उसके सबूत के तौर पर। लेकिन इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। वो सब कुछ मैं बाद में लिख लूंगा। नहीं भाई, वो तुम लिख कर दो। ए दादाजी, चुपचाप कागज पर साइन करो। तुम मुझे डरा रहे हो, ये नहीं हो सकता।
ओए, चुपचाप इस पर साइन करो। मैं नहीं कर सकता। बालाजी चलिए चलिए। पिताजी आपने ये क्या कर दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे? सर एक मिनट, कैमरा। इस बंगले के अंदर कुछ दुर्घटनाएं, कुछ अजीब हादसे हुए हैं, ये हमें पता चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिताजी के लिए ये बंगला जान से भी ज्यादा प्यारा था, इसे ऐसा ही रहने दूंगा। इस बंगले को रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दूंगा और इसे उनकी याद के लिए रखूंगा। ओके, थैंक यू सर। कभी आपको टाइम मिले तो हमारे चैनल में आकर कुछ शब्द कहिए सर। थैंक यू सो मच सर। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? आप कहाँ हो, कैसे हो, कुछ नहीं पता। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं अब क्या करूं। आज से यहाँ पर किसी को आने मत। सील कर दीजिए ना। हाँ, चारों तरफ से सीज कर दिया है और चारों ओर बोर्ड लगा दिया है। अब यहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ की सारी प्रोसीजर खत्म कर लीजिए और तुम जाने से पहले सब कुछ क्या कर सकते हैं, ठीक है? चित्रा, दादाजी मैं यहाँ हूँ। चित्रा, कहाँ हो तुम? क्या हो? दादाजी, देखो आ जाओ। सब लोग यहाँ से निकल गए हैं। हाँ। आज के बाद इस घर में सिर्फ और तुम मैं हैं। हम दोनों ही हैं। हम जीत गए। हाँ, हम जीत गए हैं।